अनुच्छेद 370 व 35 ए कल खत्म हो गया, जिसके बाद देश भर में जगह जगह लोगों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध भी दर्ज करवाया, जिस विरोध करने पर हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन किया, जमकर धारा 144 का इस दौरान उल्लंघन किया गया। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ दिग्गज नेताओं की फोटो लगाकर उनको बताया गया देशद्रोही। बैनर पर देशद्रोह लिखकर राहगीरों से पड़वाए गए जूते। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी इस दौरान उठाई गई मांग। प्रदर्शन रोकने आई पुलिस को हिंदूवादियों ने हड़काया। राहुल गांधी अखिलेश यादव सहित कई नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने का कर दिया गया ऐलान। आगरा के थाना हरि पर्वत के संजय पैलेस स्ट्रीट कलर लेप का मामला। हिंदू जागरण मंच द्वारा जो आज विरोध दर्ज कराया गया, इस देश में रहने वाले नेता जो इस देश की पब्लिक से, इस देश की जनता से वोट लेते हैं, इस देश का पैसा खर्च करके अपनी अय्याशी अपने ऐशो आराम में लगाते हैं और भारी शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। धारा 370 जो इस देश को अखंडित करती थी, खंडित करती थी, उस धारा 370 को हटाने के बाद उसका विरोध करने वाले, इस देश को खंडित करने वाले नेताओं के मुंह पर थूक कर, उनके मुंह पर जूते मारकर आज इस आगरा शहर की जनता ने विरोध दर्ज कराया है। और ये उनको बताने का हमने संदेश दिया है कि अगर देश को तोड़ने की बात करो तो इस देश में नेता नहीं, चपरासी से ही बुरी बदतर हालत कर देंगे तुम्हारी, इस देश को छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा। आज जो विरोध किया है जिस तरह से वहाँ पर बैनर लगा के, देखिए हिंदू जागरण मंच के बैनर तले देश के द्रोहियों, जो देशद्रोही जो 370 धारा का जो है खिलाफत कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे देशद्रोहियों को अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम ऐसे जो स्टालिन और आपके तमाम ऐसे नेता हैं जो कर रहे हैं, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद वगैरह हैं और गुलाम नबी आजाद हैं, तमाम नेता हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ दिए, और ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लोगों ने आज जूता मारो और थूको इनके ऊपर अभियान चलाया था, जिसमें तमाम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इनको देश में, इनको देश, पूरे देश के अंदर इनको बेनकाब किया और पूरे देश की जनता ने इनको देखा किस तरीके से गद्दारी कर रहे हैं देश के अंदर, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आज कम से कम ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता तो लगा कि ये जो देश के अंदर खा रहे हैं, पी रहे हैं, देश के अंदर नेतागिरी कर रहे हैं, देश की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने में ये लोग जो है पाकिस्तान जो चाह रहा है उस तरीके की भाषा ये लोग बोल रहे हैं। सर आप नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे, उन्होंने भी समर्थन नहीं किया है? देखिए नीतीश कुमार जी भी ने, अगर उन्होंने समर्थन नहीं किया उनका भी हम विरोध करते हैं, वो भी गलत किया उन्होंने और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, उनका भी विरोध करते हैं। बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कौन, किसने बोला है? फारूक अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट जाएं, जहां जाना मत जाएं, उनकी क्या औकात है, वो जो है इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि इस विधेयक के अंदर जिस तरीके से जम्मू की विधानसभा में यानी कि राज्यपाल जी ने पास करके भेजा है माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय के पास जबकि दोनों सदनों में जो है पूरे बहुमत से पास हुआ, इसमें अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता है इसमें, ऐसे इस संविधान को बदलने में, इसको बदलने में, धारा को खत्म करने में अब कोई ऐसा क्लू नहीं छोड़ा माननीय गृहमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कि आगे की कोई शंका हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कुछ हो पाए, कुछ नहीं होगा। इससे पहले कभी मांगते थे सुप्रीम कोर्ट को?